कंसोर्टिया आईएएस के निर्देश अनुसार उज्जैन जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम के ज्ञापन अजाक्स के कार्यवाहक अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय उज्जैन को सौंपा गया है। आज का जो ज्ञापन था किन किन विषयों को लेकर दिया गया, किस प्रकार से क्या रहा? सर, कुल मिला के आरक्षण का जो उल्लंघन किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, SC ST के लोगों के साथ जो प्रताड़ना और जो उनके साथ भेदभाव करने की जो नीतियां चल रही है शासन की, प्रशासन की, तंत्र की, उसके विरोध में ये ज्ञापन है, जिसमें मुख्यतः आज PSC में जो प्रारंभिक सूची जारी की गई है उसमें आरक्षण का उल्लंघन किया गया है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया गया है, शासकीय आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इस तरह ये तानाशाही जो चल रही है, तानाशाही के खिलाफ मध्य प्रदेश अजाज का पूरा अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। शीघ्र ही अगर इस सूची को जारी नहीं किया गया तो हम बहुत बड़ी रूपरेखा बनाकर हम गांव-गांव जाकर PSC के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे और भी कार्रवाई हम इसके खिलाफ करने जाएंगे। सर बताइए, किस प्रकार से आज का ज्ञापन दिया गया, किस प्रकार से क्या रहा? आज का जो ज्ञापन कार्यक्रम है, जगन्नाथ जी बागड़ी जो कार्यकारी अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष के, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है। PSC 3 का जो रिजल्ट भेदभावपूर्ण तरीके से उजागर हुआ है और जारी किया गया है, 15% लोगों को 50% आरक्षित सीटें मुहैया कर परिणाम घोषित किया गया है और 85% जो लोग हैं SC ST और OBC उनका जो परिणाम है वो 50% के दायरे में सीमित कर दिया गया है, तो वो भेदभावपूर्ण तरीके से है। उसके विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी महोदय और मुख्यमंत्री के को ज्ञापन दिया है, वो सफल रहा है और हम ये जो PSC का प्री रिजल्ट घोषित हुआ है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।